चलें यार, थोड़ा सा पहले ना मैं इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, फिर स्लाइड्स पे आएंगे, ठीक है? एक टर्म है, शायद हमने पहले भी यूज की है, सॉरी, इन दो चीजों पे अभी हम देखते हैं, हमारा फोकस है आज के लेक्चर में ना। अच्छा, पहले वाली तो सिंपल डेफिनेशन है और जो लेक्चर है वो डेटा प्रेडिक्शन के ऊपर है फिर अभी, ठीक है जी? पहले वाली टर्म पहले अनाउंस कर चुके हैं हम, अभी तक किए हमने अनाउंस, क्या चीज होती है? मल्टी मॉडल डेटा। ये मॉडल नहीं है, मॉडल है, मॉडल पढ़ते हैं इसको ना जी। कोई गेस? मल्टी मॉडल नहीं बोला हुआ टर्म, बिल्कुल नहीं बोली। इस पे हमने ना तीन चार किस्म की टाइप्स ऑफ डेटा पे पहले बात की थी, ये कोई याद है किसी को? जो दूसरा लेक्चर था उसमें हमने टाइप्स ऑफ डेटा बताया था जी। जी 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 और कोई? ऑडियो वीडियो जी। और एक चीज इस पे काफी मेरे ख्याल में डिस्कशन भी हो चुकी है, स्ट्रक्चर्ड सेमी स्ट्रक्चर्ड, याद आते हैं? अच्छा, इसी तरह जैसे इन्होंने स्टार्ट किया था, बेसिक डेफिनेशन हमने की थी नॉमिनल और कैटेगोरिकल, वो भी याद है? चलो नहीं याद तो भी रिवाइज कर लेते हैं आधे मिनट में। क्या था नॉमिनल डाटा, क्या होता है नॉमिनल डाटा? नॉमिनल डाटा कोई पूरे में बता दो, नॉमिनल, नॉमिनल डाटा। फिर कैटेगोरिकल क्या होता है? कैटेगोरिकल क्या होता है इस वाले पूरे रो में? कैटेगोरिकल कैटेगरीज की फॉर्म में होगा ना, जैसे आपका जो नाम है वो कैटेगरी है, वो नॉमिनल नहीं है। नॉमिनल का मतलब क्या था? नंबर की फॉर्म है, ठीक है? और उसके बाद फिर आगे उसमें डिवीजन होती है, ठीक है? वो डिवीजन क्या थी? नहीं कुछ भी याद नहीं इस तरह की चीजें, स्लाइड देखने की हिम्मत ही नहीं की खैर से। कि नहीं, क्यों नहीं पहुंची यार? आपकी साथ वाली क्लास को दी है, कैसे ओढ़ने जी? अच्छा चले ठीक है, उसको रहने देते हैं। हमने डिवीजन करने की मल्टीपल तरीकों से डिवाइड किया था डाटा को, आप स्लाइड्स में दोबारा भी देख लेंगे। अभी मल्टी मॉडल जो है ना वो एक और तरीका है, जो आपने आंसर भी दिया कुछ लोगों ने। मल्टी मॉडलिटी का मतलब ये है कि टेक्स्ट एक मॉडलिटी है, ऑडियो, मल्टीमीडिया, वीडियो और बायोलॉजी, ठीक है? ये कुछ मॉडलिटीज हैं, ठीक है? टेक्स्ट जो है वो क्या हो सकता है? वो रिटन फॉर्म में हो सकता है, ऑडियो फॉर्म में होता है, ऐसे ही जी। इसी तरह ऑडियो क्या हो सकती है? जो हम बोल रहे हैं, यानी कि जो हम बोल रहे हैं वो स्पीच है, और वंस वो जब स्पीच से आपके कॉपी पे जाती है वो फिर रिटन टेक्स्ट हो जाता है, एग्रीड? तीसरा मैंने लिखा मल्टी मीडिया। मल्टी मीडिया अगेन क्या है? जिसमें मल्टीपल मीडियम्स हो। मल्टीपल मीडियम से मुराद आपकी वीडियो ज्यादातर समझी जाती है, जिसमें विजुअल भी होता है, ऑडियो भी होता है और टेक्स्चुअल भी होता है। जैसे अगर आप न्यूज़ वीडियो की एग्जांपल ले लें, खबरों खबरें जो होती हैं उनमें क्या हो रहा होता है? आपको विजुअली नज़र आ रहा होता है, ऑडियो सुनाई दे रहा होता है और सब स्क्रिप्ट वगैरह लिखे होते हैं कि नीचे आज ये खबरें आज की, एग्री? ये बात समझ आती है, ये मल्टी मीडिया। फिर वीडियो मैं पहले ही बोल चुका हूँ। एक आखिरी चीज़ है बायोलॉजिकल डाटा, भी एक होता है हमारे पास, ठीक है? बायोलॉजिकल डाटा से क्या मुराद है? मैं दो तीन मिनट में ना इसको आसान सा समझाता हूँ, लेकिन उससे पहले थोड़ा डाटा प्रेडिक्शन की बात कर लेते हैं। डाटा प्रेडिक्शन की बात करते हैं। इसमें अभी हमने जो लास्ट लेक्चर शुरू किया था उसमें मैंने थोड़ा सा स्विच किया था इसकी तरफ, इन दोनों की तरफ, जिनको कंबाइन करके मैं क्या कह रहा था? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ऐसे ही है ना? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के दो हिस्से हैं, एक है टेक्स्ट और एक है ऑडियो, ठीक हो गया? ये हम डिफाइन कर चुके। अच्छा, अब मैं आपसे कहता हूँ कि यार नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में अगर आपने डाटा प्रिडिक्शन करनी है तो आपके पास दो ऑप्शन है। आवाज आ रही? पंखा बंद कर दें, बंद कर दें बेटा, ये बंद कर दें, इसको एसी को चला लो थोड़ी देर।
लाइटें ना बंद करें, पंखा बंद कर दें। हाँ जी ये जो भी जैसे इन्होंने किया ना, इसको कहते हैं एआई में या डेटा साइंस के अंदर ह्यूरिस्टिक्स अप्रोच ना, ह्यूरिस्टिक्स। ठीक है, ह्यूरिस्टिक क्या चीज होती है, जो ना कर करके ना पता होता है हमें ना। जैसे लेट से ये बच्ची की लामाला, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि टीचर लड़की को कहेगा जाके कर, वरना आप में से कोई बंदा होता तो ह्यूरिस्टिक क्या कहती है, क्या आप ये सोचोगे यार जहां पे वो कुपियां नहीं लगी पंखे की, क्या कहते हैं उसे, रेगुलर, चले जो भी वर्ड है यार, कुप्पी। ठीक है, कुप्पी ऐसा वर्ड है जो सबको समझ आ जाती है ना, तो जो लगी है ना पंखा वहां होगा ना, लॉजिकली ऐसा है ना। लेकिन स्टिल क्योंकि इंसानी है, फितरत है, तो बेचारी ने जाके सारे बटन दबाने शुरू कर दिए। इन एनी केस इसे ह्यूरिस्टिक कहते हैं, और ह्यूरिस्टिक का फिर यही नुकसान है जो भी नजर आ गया ना। ठीक हो गया, चलिए इन एनी केस इस पे वापस आते हैं, डेटा प्रेडिक्शन पे मैं इसको जोड़ता हूँ। ये आपने सुनना है कहानी ना, ताकि वो फिर लेक्चर आसान सा, ये छोटा सा लेक्चर है लेकिन स्टिल डेटा प्रेडिक्शन पे, डेटा प्रेडिक्शन में। और अब हम खड़े हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में जो बेसिक यूनिट है, हमने उसके लिए वर्ड यूज किया था मॉर्फीम का, और बड़े आसान लफ्जों में वो एक वर्ड है, वर्ड जो हम लिखते हैं ना, जैसे उस्मान, गनी, आई, यू, ये सब जो है ना वर्ड है। एग्रीड हो गया? ठीक है, मैं ये कहता हूँ यार डेटा प्रेडिक्शन ना दो चीजें हो सकती हैं, वो क्या है वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। पहली चीज ये है, मैं कहता हूँ गिवन सेट ऑफ वर्ड्स जनरेट सेंटेंस। इससे मुराद क्या है कि मेरे पास कुछ वर्ड्स हैं, कुछ वर्ड्स का मजमा है, सेट है, या कुछ गिवन वर्ड्स हैं कि यार ये वर्ड्स हैं, और आपने उससे सेंटेंस बनाना। ठीक हो गया, जैसे आई है, गो है, स्कूल है, लेट्स से। अब आपने से सेंटेंस बनाना है, आई वांट टू गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, शुड आई गो टू स्कूल, वट एवर। ऐसे ही ना कि कुछ वर्ड्स हैं और आपने सेंटेंस जनरेट करना है, ये एक प्रेडिक्शन है, वर्ड्स हैं और एक सेंटेंस बनाना। एग्रीड? दूसरा इसके अंदर डेफिनेशन ये है, सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स गिवन है और चलो कोई नहीं प्रिडिक्ट, नेक्स्ट वाइज मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। देखिए मैंने डेटा प्रेडिक्शन फॉर एनएलपी को बड़े आसान लफ्जों में दो चीजों में तोड़ा। मैंने कहा कि भी एक ही हो सकता है कि आपके पास वर्ड्स मौजूद हैं, आप उन्हें जमा करो और एक सेंटेंस बना दो। ठीक हो गया। दूसरा ये कि नहीं, आपके पास कुछ सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स मौजूद हैं, जैसे लिखा है आई वॉन्ट टू, जैसे लास्ट टाइम भी शायद डिस्कशन शुरू की थी, आई वॉन्ट टू गो और आगे वाला वर्ड गेस करना। ये यहाँ तक हम साथ हैं, समझ आती है बात की? ठीक हो गया। यही अगर हम सिर्फ एनएलपी के लिए कर रहे हैं तो ये है डेटा प्रेडिक्शन फॉर एनएलपी। अब क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा रिफ्रेश करते हैं। अगर मैं आ जाता हूँ इमेज प्रोसेसिंग के डोमेन में, जो यहाँ पे मैंने वीडियो लिखी हुई है, अगर मैंने वीडियो लिखी है, अब मैं आसान लफ्जों में कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि यार ये क्या पॉसिबिलिटी है कि मेरे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स मौजूद हों और उनकी मदद से मैं सीन जनरेट कर दूं। देखें वर्ड्स क्या है हमारे पास, इंडिविजुअल यूनिट्स। सेंटेंस क्या है, कंबाइन करके ऐसी चीज बना रहा है जो उसके मानी कंप्लीट कर रही है। ऐसे ये बात समझ आती है? तो क्या ये पॉसिबिलिटी है, जैसे अब मैं यहाँ पे तस्वीर लेने के लिए खड़ा हूँ, मैं आप सबकी तस्वीर बनाऊँ जो इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स होंगे और एंड में जो आउटपुट हो वो एक सेंटेंस हो, और सेंटेंस का मतलब मैं कहता हूँ सीन है। जैसे मैं ये कहता हूँ कि आप सारों की तस्वीर हम लें यहाँ पे इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स की, और सीन जनरेट हो कि जी ये क्लासरूम सीन है, आप लोग उठ के यहाँ से बाहर जाते हैं तो कहें जी कैफे का सीन है या ग्राउंड का सीन है, एंड सो ऑन। ये बात समझ आती? तो इसका मतलब ये कि एनालॉगी है, एनालॉगी का मतलब ये है कंपेरेबिलिटी है कि जो वर्ड में या टेक्स्ट में हम काम कर रहे हैं वही इमेज में भी है। ये बात समझ आई किसी को? दोबारा रिपीट करता हूँ, वर्ड्स हैं, सेंटेंस बनाना। अच्छा, इसी तरह क्या वीडियो में ये ऑप्शन है कि आपके पास कुछ इमेजेस दिए गए हो, नेक्स्ट आप गेस कर लो या जनरेट कर लो। जो वीडियो हमारी होती है, फिल्म हमारी होती है, वो वैसे होती यही है कि आपका कुछ इमेजेस होते हैं उनको मिला के आप वीडियो बना रहे होते हैं सीक्वेंस की मदद से। ठीक हो गया, समझ आ रही वाली बात की? तो डेटा प्रेडिक्शन की जो दो डेफिनेशन है वो दोनों इसी तरह फिट इन हो जाती हैं कि आपके पास कुछ सेट दिया गया है उनको कंबाइन करके काम करना और कुछ उस सेट को कंप्लीट करना जो दूसरे वाला। ठीक है, ये बात समझ आ जाती है? चलें, गुड हो गया। एक ना यहाँ पे मैं फ्यूचर में भी कहीं हो सकती थी लेकिन आज ही कर लेते हैं, ये बायोलॉजी वाले का ना। आप में से कोई एफएससी बायोलॉजी की हुई है किसी ने? एक ने की हुई है। चलो, इनको कुछ कंसेप्ट होंगे, हमने उसमें डिटेल में जाना, हम थोड़ा सा ना ये देखते हैं कि यार बायोलॉजी का कंप्यूटर साइंस से क्या रिलेशन है। ठीक है,
और उसके बिल्कुल आसान से लफ्जों में देखते हैं डिटेल. जी जी मैं जितना बोलूंगा आप एग्री करेंगे उतने इंशाल्लाह उससे ना. अच्छा नहीं कैसे नहीं कैसे बायोलॉजी का कंप्यूटर साइंस में क्या है और डेटा माइनिंग से या डेटा साइंस से उसका क्या रिलेशनशिप है, ये मैं अगले 3-4 मिनट में एक्सप्लेन कर देता हूँ. ठीक हो गया, और आई होप कि आपको सबको समझ भी आ जाएगी जो मैं कहना चाह रहा हूँ. अच्छा चलें इसको थोड़ा सा एक चार्ट बना लेते हैं. लेट्स से मैं पहली बात ये करता हूँ, मैं आपसे कहता हूँ कि यार बायोलॉजी के अंदर ना अगर आपने कंप्यूटर साइंस के साथ जोड़ना है तो वो ब्रांच जो बायोलॉजी और सीएस को जोड़ती है दैट इज कॉल्ड बायो इन्फॉर्मेटिक्स. ठीक है, ये बात क्लियर होगी हमारे पास. अब थोड़ा सा ना डेटा माइनिंग के एप्लीकेशन एरियाज देख लेते हैं कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स में विद रिस्पेक्ट टू डेटा माइनिंग कौन से एप्लीकेशन एरियाज है. 4-5 मिनट में कवर हो जाएगा वो भी. लेट्स से मैं कुछ यहाँ पे एरियाज लिखता हूँ, मे भी रैंडम ही हो जाएंगे. ये मैंने लिखा MI, ये स्टैंड फॉर मेडिकल इमेजिंग. ठीक है, MI लिख लो, मेडिकल इमेजिंग. ठीक हो गया. ये वैसे एक ही लेवल पे लिखना चाहिए था. चलें ये एक दफा बना लें जरा चार्ट ना. जी बन गया. चलें जी गुड, ये बिल्कुल सिंपल सा मैंने रखा है और ये इतना नेचुरल है कि ये बच्चे को भी समझाए ना उसे समझ आ जाएगी. तो वही अभी हम देखते हैं कि आपको समझ उम्मीद है कि आ जानी चाहिए. और एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे इन डिटेल नहीं है. ये बायोइन्फॉर्मेटिक्स का कोर्स पहले 7th-8th टर्म में ऑफर भी होता रहा यूनिवर्सिटी में, अब नहीं होता, लेकिन स्टिल ये मोटे मोटे मॉड्यूल इसके यही हैं और वो लॉजिकल है. बायोइन्फॉर्मेटिक्स लिखा है, पहली चीज़ लिखी है मेडिकल इमेजिंग. मेडिकल इमेजिंग का मतलब ये होता है कि आपके पास मेडिकल के इमेजेस मौजूद हैं और उस पर आपने फिर कंप्यूटर साइंस के एल्गोरिथम्स लगाना. ठीक है, इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल जो है वो आपके ह्यूमन के ब्रेन के MRI और CT स्कैन है. ठीक है, ये उसके बाद दूसरे नंबर पे आजकल वैसे ब्रेन को ओवर शेडो कर चुकी है चेस्ट एक्सरेज, जिसमें कोविड का बेसिकली आया था. ठीक है, इसे आसान लफ्जों में दोबारा समझाता हूँ. आप लोगों ने सबने तकरीबन देखा होगा एक्सरेज, अल्ट्रासाउंड, MRI, CT स्कैन, PET स्कैन. ठीक है ना, अक्सर लोग पाकिस्तान में या वैसे भी इंसान के करीबी करीबों में सबने देखे होंगे इस तरह की चीज़ें. एक्सरे तो मेरा ख्याल है 100% सबने देखे होंगे. एग्रीड ऐसे ही ना. आइडिया क्या है बेसिकली, आइडिया ये है, एक्सरे की एग्जांपल ले लेता हूँ, ब्रेन की कई जगह देते रहते हैं, एक्सरे की बात कर लेते हैं. अगर आप एक चेस्ट का एक्सरे लेते हैं लेट्स से, अब चेस्ट के एक्सरे में क्या होता है बेसिकली, वहाँ पे आपके पास सबसे पहले लंग्स होते हैं और लंग्स के साथ आपके रिब केजेस पसलियाँ होती हैं. ऐसे ही है ना, तो एक्सीडेंट्स के अंदर मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं. एक छोटी सी चीज़ ये हो सकती है कि जी पसलियाँ में भी ब्रोकन है, तो वो एक्सरे के थ्रू देखते हैं कि जी कहाँ कहाँ से जो पसली है वो ब्रेक हुई हुई है, कितनी उसकी ब्रेकेज है. समझ आ रही है इस वाली बात की. फिर डॉक्टर डिसाइड करता है कि क्या उसने ऑपरेशन करना है, कैसे चलना है. छोटी सी एग्जांपल ये. इसी तरह चेस्ट एक्सरे की अगर बात करें तो ये जो लंग्स होता है, लंग्स की बेस पे हम तकरीबन कोई 14 डिजीज है जिनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, जिनमें काफ़ी ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो नमोनिया, कोविड आजकल काफ़ी चल रहा है. इसी तरह कोविड के साथ मिलती जुलती जो डिजीज हैं जिसे SARS कहते हैं, MERS कहते हैं, ये सारी हमारे पास है. इन्फ्लुएंजा है उसके अंदर, TB उसके अंदर है. तो ये कोई 12 या 14 ऐसी बीमारियां कॉमनली जो सिंपल एक्सरे या लंग्स के शेप के ऊपर आप बता सकते हो सिंपल. ये बात समझ आ रही है.
इस वजह से ये काफी हिट टॉपिक है बायोइनफॉर्मेटिक्स के अंदर मेडिकल इमेजिंग, कुछ लोग FIP भी कर रहे हैं आपके, ठीक है। मेरा ख्याल इतनी डेफिनेशन काफी है। अच्छा, ये ना मैंने फिर कुछ ना एक दो ये तीन, ये मैंने तीन प्रोजेक्ट्स लिखे हैं जो इटसेल्फ बायोइनफॉर्मेटिक्स की काफी बड़ी एप्लीकेशन है। तीनों की तरतीब से बात कर लेते हैं। पहले ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जीनोम का वर्ड सुना हुआ पहले किसी ने? जीन से ही निकले हुए बेसिकली। देखें बिल्कुल आसान सी डेफिनेशन है, जीन्स की अहमियत क्या हमारे पास होती है। जीन्स की अहमियत हमारे पास ये होती है कि ये आप सबको पता होगा कि जो हमारी जिस्म है, बॉडी हमारी या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो सेल से बनके बनती है, सेल से मिलके बनती है, एग्रीड। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर DNA सीक्वेंस एक होता है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस भी जिसे कहते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, ये तो अब सारी कहानी है जो बायोलॉजी के हमारे एंड तक हम चलते भी रहे। अब क्वेश्चन ये है कि वेयर डज कंप्यूटर साइंस या डेटा माइनिंग कम्स, ठीक है। ये मैं एक छोटा सा प्रॉब्लम अभी डिस्कस करता हूँ कि यार जहाँ पे डेटा माइनिंग की इंपॉर्टेंस है या डेटा प्रेडिक्शन की इंपॉर्टेंस है, और वो उसके साथ लिंक भी है जो हमने दो प्रॉब्लम अभी बताए हैं कि आपके पास डेटा मौजूद है, आपने लेबल लगाना है या आपने सीक्वेंस को कंप्लीट करना, ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें ही होता है कि लेट्स से अच्छा, किसी को वैसे याद है ये जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है, शायद भाई को याद हो। अगर मैं कुछ सिंबल ऐसे लिखता हूं, ये कोई वर्ड देखा हुआ है, किसी ने सुना हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ये बेसिकली जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसकी चार बेसिस होती हैं, जो यहाँ पे ACTG लिखा हुआ है। वापस आते हैं, हम अपनी इंपॉर्टेंस पे आते हैं ना, हमें ये नहीं क्या बनता है, हमें नहीं है, हम इस पर काफी ज्यादा इन डिटेल काम कर रहे हैं, मैं अभी समझाता हूँ कि हम क्या कर रहे हैं ना। अच्छा, अब होता क्या है, कोई भी आपके पास सीक्वेंस होता है ना, वो बिलियंस ऑफ लाइन ऑफ कोड होता है, ये आपने जरूर टर्म सुनी होगी, ठीक हो गया। हमने खुद देखी हुई है, फाइल्स ऐसी होती हैं कि हमें ना नोटपैड की एक फाइल मिलती है जिसमें बस यही रेपिटेशन होती हैं। अब उसके अंदर ये होता है कि दो हमारे पास चीजें होती हैं, एक को कहते हैं इंट्रॉन्स और एक को कहते हैं एक्सॉन्स। ये मैं कोशिश करूंगा कि 5 मिनट में कंप्लीट करूं, इससे ऊपर टाइम ना लगाएं क्योंकि ये बायोइनफॉर्मेटिक्स का लेक्चर नहीं है। अच्छा, इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स ये होते हैं, पहले वापस आते हैं दोबारा, जो सेल की हम बात कर रहे थे कि हमारे पास एक DNA सीक्वेंस है और DNA सीक्वेंस का सबसे इंपॉर्टेंट का पार्ट होता है एनर्जी प्रोड्यूस होना, जिसे कहते हैं प्रोटीन्स, ठीक हो गया। होता यह है कि हमारे पास ये DNA, ये मैं अभी प्रॉब्लम पे चला जाता हूँ सीधे, हमारे पास फिर RNA और ये प्रोटीन स्ट्रक्चर लिखा है PS, प्रोटीन स्ट्रक्चर, ये सिंपल यही हमारे पास हायरार्की है। DNA न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, वो RNA में कन्वर्ट होता है, RNA से प्रोटीन सीक्वेंस बनता है, ये प्रोटीन स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। अब रिसर्च कहाँ पे खड़ी है सबसे ज्यादा, वो ये कहते हैं कि जी ये जो RNA से प्रोटीन में जाता है ना, अभी तक जो रिसर्च है वो सिर्फ ये है कि 3% कन्वर्जन होती है सिर्फ, 97% का अभी तक कोई नॉलेज नहीं है हिस्ट्री में ना, या लिटरेचर में जो पेपर्स हैं वो ये कहते हैं कि जी RNA से जो प्रोटीन में कन्वर्जन हो रही है वो 3% का पता है कि यार ये कन्वर्जन हो रही है, 97% का कोई वो नहीं है। इसलिए ये कहा जाता है अभी तक की जो रिसर्च है कि 3% हिस्सा जो है वो RNA का यूजफुल है, 97% यूजफुल नहीं है। ये बात समझ आ रही है? अच्छा, इसी यूजफुलनेस के लिए जो वर्ड यूज होते हैं, एक होता है इंट्रॉन, एक होता है एक्सॉन, ठीक है। जैसे बेसिस ही ना ACTG, जब वो RNA में जाती है तो और बेसिस बन जाती है, वो बायोलॉजिकल शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आसान लफ्जों में इंट्रॉन वो हिस्सा है DNA का जो प्रोटीन में कन्वर्ट होता है, एक्सॉन वो हिस्सा जो प्रोटीन में कन्वर्ट नहीं होता। ये बात समझ आ रही है? अब जो चीज प्रोटीन में कन्वर्ट होती है वो हमारी एनर्जी है, वो हमारे मसल्स हैं जो नजर आते हैं, ठीक है। आसान से एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे हमारे बाल हैं, हाथ हैं, नाखून है, बॉडी है, मसल्स हैं, सारी चीजें DNA से प्रोटीन में जाते हैं, गुड। इस वक्त अब मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ये 3% तो वो है जो हमें क्लियर पता है कि प्रोटीन में जा रहा है, 97% का क्या काम है? 97% का ये इंपॉर्टेंस है कि जो आप ड्रग्स बनाते हो वो सारी 97% में से है, यानी कि एक वो है जो आपकी नेचुरल है कि आपकी मसल ऐसे होंगे, 97% क्या होगा, ये वो जीन्स का हिस्सा है जो बेस्ड ऑन आउटर यानी कि इंटरेक्शन प्रोड्यूस हो जाता है। लेट्स से जैसे आप में से कोई बच्चा एक्सरसाइज करता है तो 97% हिस्सा बचा था उससे होगा, आप लोग कोई ड्रग्स ले लेते हो, दवाई वगैरह खाते हो, मेडिसिन खाते हो, तो वो 97% को अफेक्ट कर रही होती है। ये बात समझ आती है आपको? अच्छा, इसी को अब यहाँ पे जोड़ते हैं, और मैंने पहला वर्ड ये प्रिडिक्शन लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि अब प्रिडिक्शन का काम ये हो रहा है कि हमारे पास जो डाटा आया उसमें से हमने प्रिडिक्ट करना है कि ये वो हिस्सा है जो प्रोड्यूस करेगा या ये वो हिस्सा जो ड्रग्स की तरफ जाएगा। ये बात समझ आ रही है? तो इसी वजह से डेटा माइनिंग के अंदर इन्फॉर्मेटिक्स की भी इंपॉर्टेंस है कि ये वाली चीज़ प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। इन डिटेल बहुत ज़्यादा जाएंगे तो बायोलॉजिकल हो जाएगी, रफली सा आइडिया दिया आपको
कि डीएनए, और फिर इधर भी लंबी कहानी हो जाएगी, लेकिन ये दूसरा ये पार्ट था हमारा। अच्छा, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या था एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है ये ETH ज्यूरिख यूनिवर्सिटी है, उन लोगों का एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर उन्होंने यही कहा था कि हम इसको 100% कवर करेंगे कि न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस कितनी किस्म के होते हैं और उनसे कितनी किस्म की प्रोटीन्स बन सकती हैं। तो मेरा ख्याल है ये कोई 21 सालों से प्रोजेक्ट चल रहा है और वो मुख्तलिफ तजर्बे करते रहते हैं, ठीक है। और सिंपल आइडिया उनका यही है कि न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के अगेंस्ट कौन सी प्रोटीन्स जनरेट होनी, ठीक है। अच्छा, अगला एक इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है ये ब्लू ब्रेन प्रोजेक्ट। ब्लू ब्रेन जैसे नाम से पता लगता है ये ब्रेन से रेलिवेंट प्रोजेक्ट होगा और इसके अंदर फिर ब्रेन के बारे में डिफरेंट तजर्बे किए गए। कुछ तजर्बे मैं भी आपको समझा भी देता हूँ। पहली चीज़ ये कि ये MIT वालों के ग्रुप का प्रोजेक्ट था जिनके पास फंड थी और उनका अल्टीमेट एम ये था कि क्या हम ह्यूमन ब्रेन के बराबर कंप्यूटर का ब्रेन बना सकते हैं, ठीक है। उनका सिंपल सा आइडिया ये था। DARPA की इनकी फंडिंग है। DARPA का मतलब ये है कि अमेरिकन जो आर्मी है उन्होंने फंड किया हुआ इसको प्रॉपर तरीके से। और इनका सिंपल सा ये था कि ह्यूमन ब्रेन को कॉपी करके एक मशीन का ब्रेन बनाया जाए, ठीक हो गया। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल जो है जो आप लोगों ने शायद देखी होगी उसे कहते हैं ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस BCI, ठीक है। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस क्या है, आपने शायद देखी होगी कि एक बंदा है वो उसके ऊपर डिवाइस बनाते हैं और वो व्हील चेयर कंट्रोल कर रहा होता। अक्सर लोगों ने शायद देखी होगी ये चीज़, देखी हुई है कि एक डिवाइस बनाई जाती है और फिर वो ब्रेन के थ्रू ना मूवमेंट करता, ठीक है। स्टीफन हॉकिंस वैसे मशहूर एग्जांपल थी इसकी, अगर पता होगा साइंटिस्ट का। इन एनी केस तो ये ब्रेन वाली चीज़ आ गई। तो इसी तरह फिर वो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसके अंदर आजकल ये भी किया जा रहा है कि क्या किसी और का ब्रेन कंट्रोल किया जा सकता है। उसकी भी एक एग्जांपल इंसेप्शन मूवी थी, अगर वो भी देखी होगी कुछ ने, इंसेप्शन देखी हुई है जिसमें वो थॉट्स को करते हैं कि जी किसी ने कंट्रोल कर सकें। तो ये सारी ब्लू ब्रेन प्रोजेक्ट की ही बाई प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, ये हो गया। एक तीसरा फिजियो प्रोजेक्ट है, ये भी इंटरेस्टिंग है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बैकग्राउंड है लेकिन कवर करना चाह रहा हूँ मैं, कभी लेक्चर में होना था तो आज ही कर लेते हैं। फिजियो प्रोजेक्ट है, फिजियो प्रोजेक्ट ये स्टैनफर्ड यूनिवर्सिटी का एक प्रोजेक्ट है फिजियो के नाम से। इसका आइडिया सिंपल ये है कि इन लोगों ने, मेरा ख्याल है स्टैनफर्ड ही शहर है या पालो आल्टो की शहर है, उस शहर के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उन सबका वो डाटा कैप्चर करते हैं, कलेक्ट करते हैं। वैसे ये पाकिस्तान में भी हो सकता है लेकिन हमसे नहीं होता, हो सकता है। जैसे किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाएँ, आप जाते हो, वो फॉर्म फिल करवाते हैं, वो अपना सारा रिकॉर्ड रखते हैं ना। उसके बाद आपकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री बनाते हैं कि जी कौन सी मेडिसिन दी गई, कौन सी आपकी बीमारी थी, ऑपरेशन हुआ, किस टाइम पे हुआ, रिलीज किया, कब किया, एंड सो ऑन। देखा होने वाली चीज़, ये सेम वही फिजियो प्रोजेक्ट यही काम करता है। पर क्या है कि इनके पास मे बी फंडिंग थी, पीछे एजेंसियाँ थी, तो इन लोगों ने उसमें बड़े अच्छे इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स भी निकाले, ठीक हो गया। तो ये फिजियो प्रोजेक्ट ही है। अच्छा, जेनेटिक कोड मैं बता चुका हूँ। जेनेटिक कोड बेसिकली ये था कि जो DNA सीक्वेंस होता है उसमें न्यूक्लियस होता है और फिर जो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स स्ट्राइड्स कहते हैं, उन्हें स्ट्राइड्स होते हैं, उनके अंदर एक जेनेटिक कोड होता है। और ये कहा जाता है कि ह्यूमन का, हर ह्यूमन के अंदर एक ही जेनेटिक कोड इंस्टॉल है और वो जेनेटिक कोड इतना स्ट्रांग है कि वो ये बता देता है कि जी आपकी ग्रोथ क्या होगी, आपके अंदर बीमारियाँ क्या आएंगी बेस्ड ऑन इंटरनल पैरामीटर। लेकिन अगर एक्सटर्नल भी बीमारी आएगी तो कौन सा सेल ट्रिगर होगा, कौन सा नहीं करेगा, ये जेनेटिक कोड का कंसेप्ट है। इस पर भी टिका के लिटरेचर मौजूद है इस वक्त, अगर देख लो। एंड फाइनली ड्रग डिस्कवरी, नाम से पता लगता है अरसौन। एक आखिरी मैंने चीज़ यहाँ पे लिखी है क्योंकि ये बहुत बड़ा बज वर्ड है आजकल के टाइम पे, डीप लर्निंग। ये क्यों लिखा होगा बायोइन्फॉर्मेटिक्स के साथ? सिंपल आंसर है इसका, जब आप लोग अगर मशीन लर्निंग पढ़ोगे या डीप लर्निंग वाली साइड पे पढ़ोगे तो हमारे पास क्लासीफायर्स हैं। जैसे इसमें अभी हमने लास्ट टाइम डिसीजन ट्री एक देखा था और अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम नेव बेस को देखेंगे और फिर मल्टीनोमियल बेस को देखेंगे, दो तीन हम भी क्लासीफायर अभी देख लेंगे। इस वक्त सबसे ज्यादा जो क्लासीफायर चल रहा है उसका नाम है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, ANN भी उसे कहते हैं। ANN जो है ना वो बेस करता है बायोइन्फॉर्मेटिक्स के कंसेप्ट के ऊपर और इसीलिए डीप लर्निंग की बेसिस जो है ना वो ANN है। कि अगर डीप लर्निंग को आसान लफ्जों में डिफाइन करना हो तो आप सिंपल ये कहते हैं कि जी इट इज कम्बिनेशन ऑफ ANN विच हैज सेवरल डीप लेयर्स। सिंपल सी डेफिनेशन है। वो लेयर्स क्या होती हैं क्या है वो अलग कहानी है, लेकिन स्टिल इसकी सबसे बड़ी बायोइन्फॉर्मेटिक्स की प्रोडक्ट अगर एक लफ्ज पूछा जाए तो डीप लर्निंग, ठीक है। इन एनी केस ये मैंने थोड़ा सा बायोलॉजी का बता दिया, टेक्स्ट का मैं वैसे ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वीडियो अगर हमने कंप्यूटर विजन पढ़ी अगली टर्म में तब देखेंगे। तो ये सारी मोडेलिटीज रफली मैं कवर करवा रहा हूँ, ठीक है जी। अब आ जाते हैं अपने असल लेक्चर पे, डाटा प्रिडिक्शन के ऊपर। अच्छा जी अच्छा, कुछ कंसेप्ट मैं पहले बोल देता हूँ फिर स्लाइड्स पे चलेंगे ताकि उधर टाइम बच जाए। हमने करना क्या है, हमारा सिंपल प्रॉब्लम है कि हमारे पास वर्ड्स गिवन है और हमने सेंटेंस बनाना है ऐसे ही, या दूसरा क्या है कि हमारे पास वर्ड्स मौजूद हैं, हमने नेक्स्ट वर्ड गेस करना है, ठीक हो गया। अच्छा, अब
मैं थोड़ा सा यहीं पे ना बोर्ड पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ ताकि ना हम एक पेज पे जरूर हो, वरना वो स्लाइड्स बड़ी जल्दी हो जाती हैं और वो मजा नहीं आता उस तरह। ठीक है, लेट्स से मैं यहाँ पे ये कहता हूँ, अच्छा कुछ ना यहाँ पे मैं वर्ड भी लिख लेता हूँ ताकि उनको भी साथ साथ एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये कुछ मैंने वर्ड्स लिख दिए आज के लेक्चर के अंदर जो जरूरी हैं, ठीक है यही मेरे ख्याल में गुजारा हो जाएगा, अगर एक दो होंगे तो और भी देख लेंगे, लेकिन फिर एग्जांपल्स भी देखते हैं स्लाइड से भी। पहला वर्ड मैंने लिखा लैंग्वेज मॉडल, मैंने जो अभी दो डेफिनेशन दी थी ना, मैंने कहा कि जी आपके वर्ड्स हैं सेंटेंस बनाना है या वर्ड है सीक्वेंस बनाना है, इसको आसान लफ्जों में टेक्स्ट प्रोसेसिंग में लैंग्वेज मॉडल कहते हैं। ठीक है, दैट्स इट, बस सिंपल सा ही है। अगला मैंने लिखा है वर्ड प्रोबेबिलिटी। अच्छा जब आप लोग डेटा माइनिंग में, डेटा साइंस में, एआई में काम करते हैं ना, तो कभी भी किसी चीज की ना बात हाँ या ना में नहीं करते, आप हमेशा ना प्रोबेबिलिटी कहते हैं। इससे मुराद क्या है, आप जीरो और वन के दरमियान कोई नंबर देते हैं। ठीक है, जैसे मैं लेट से कहता हूँ कि यार भाई जो है ना क्लास का सबसे लाइक स्टूडेंट है, ठीक हो गया, तो अगर मैं ये कहता हूँ तो उसने कहा नो, इन्होंने कहा हाँ, इन्होंने कहा वो, ऐसे है ना। लेकिन उससे आसान ये होता कि नहीं यार 70% है, 80% ये भाई है, 90% ये भाई है, एंड सो ऑन, सही है, ठीक हो गया। तो ये है प्रोबेबिलिटी वाला कंसेप्ट, एग्रीड। अच्छा अब यहाँ पे ना क्वेश्चन ये आता है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कैसे की जाए। ये तो बड़े आराम से हमने कह दिया जी कि इसकी 70% इनकी, ये इसकी, ये लाइक ना लाइक होने में, या सॉरी सबसे लाइक होने में और आधे लाइक होने में, आसान तरीका ये था कि हम कहते कि यार अपने अपने नंबर बोलते जाओ ना, ये कहती 3.5, 3.2, व्हाटएवर जो भी है, और मैं कहता यार अच्छा 3.9 जिसका CGPA है वो सबसे लाइक है, चले यार कौन सबसे ज्यादा क्या है यार, किसका है आपका, यार शर्माने की इसमें क्या, अच्छी बात है लाइक है, कौन है भाई लाइक, स्कॉलरशिप देंगे उसे, कौन है लाइक बताएं, ले दें बस बात ही खत्म होगी। हाँ सर्वरी क्या इन्हें नहीं के चलो यार टाइम बचाओ, अपना टाइम बचाए, घंटा ही पढ़ा सकते हैं, स्टेमिना इतना है, और रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए लेकिन वैसे स्टेमिना इतना है। इन्हें किस, इन्हें किस 3.8 था CGPA, ऐसे अब भाई आगे 3.8 पे। अब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये है कि प्रोबेबिलिटी में कैसे कन्वर्ट करें ना, कि कैसे करें कि ये जो है ना 95% लाइक है, या लेट्स से सॉरी अगर माइंड ना करें इन भाई का 1.7 है तो ये 95% लो है, चलें ये आ जाइए माइंड नहीं करेगा, ठीक है जी, ऐसे समझा रही बात की। इसका अब हमने फार्मूला सोचना है, क्या तरीका होगा, चलें कोई गैस बेटर, एक मिनट ठहरो, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल आसान, ये कल मैं क्लास में कह के मर गया, उन्हें समझ ही नहीं आई, बिल्कुल कॉमन सेंस है ना। 0-1 में कन्वर्ट करना है, क्या करना है, सबका जमा कर लो, डिवाइड कुछ किसी चीज से डिवाइड ही करोगे ना, 0-1 में आ जाएगी रेशियो, डेट एक मिनट, वो भी हो सकती है, परसेंटाइल भी हो सकता है, सिंपल लफ्जों में कोई ना कोई तरीके से नॉर्मलाइज करना है, बस ये कहानी है। कल सारी क्लास पे मैं इसी पे लगा रहा हूँ, क्यों स्लाइडें खोली हुई थी, इसलिए मैं कह रहा हूँ पहले डिस्कशन करते हैं बाद में स्लाइड्स पे जाएंगे। इन एनी केस तो इसका ये आपको बात समझ आती है। अच्छा इसी फार्मूले पे तो यही अक्ल बाकी साइंसदानों को हमसे पहले थे सियाने थे, उन लोगों ने ये कहा कि जो डाटा होना चाहिए ना उसके ऊपर जो भी चीज़ें बनाते हैं वो इन फॉर्म ऑफ प्रोबेबिलिटी होना चाहिए, तो इसलिए जो लैंग्वेज मॉडल अभी हम देखेंगे उसे कहते हैं प्रोबेबिलिस्टिक लैंग्वेज मॉडल। ठीक है, प्रोबेबिलिस्टिक लैंग्वेज मॉडल जिसमें प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व है। ठीक है, अब यहाँ पे 2-3 प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन अभी देखें, वो भी खत्म करते हैं बजाय स्लाइड्स पे जाने के। प्रोबेबिलिटी में कौन सी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होती हैं, कोई बता सकता है, याद है, मैं बोलता हूँ अगर एग्री करते हैं तो हाँ कर दीजिएगा, 3 हमारे लिहाज से अहम है। अच्छा प्रोबेबिलिटी होती क्या है, सिंपल लफ्जों में एक इवेंट के अक्कर होने का चांस, कि भाई जैसे अतीक भाई ने आज किया, इन्होंने कभी मुझसे नहीं कहा था जी कि क्लास होगी या नहीं, लेकिन क्योंकि लास्ट टाइम क्लास नहीं हुई थी तो आज इन्होंने पूछा कि सर आज क्लास है या नहीं। ठीक है, लॉजिकल है, ऐसे ही है ना। अच्छा ये है इवेंट अक्कर होने की चांस, ऐसे ही है, इसको कहते हैं सिंपल प्रोबेबिलिटी या सिंगल प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। दूसरी होती है, कौन सी होती है, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि दोनों इवेंट इकट्ठे अक्कर होंगे, एग्रीड, एक है सिंगल प्रोबेबिलिटी, एक है ज्वाइंट, कि ए और बी दो इवेंट है दोनों इकट्ठे अक्कर हो। इनसे ज्यादा एक इंपॉर्टेंट प्रोबेबिलिटी होती है, वो कौन सी होती है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी,
एग्री, ऐसे ही बच्चे, मैंने भी स्टैट काफी से पहले पढ़ी थी वैसे। इन एनी केस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल का मतलब क्या है कि ए अकर हो गया, अब बी होगा या नहीं होगा, ठीक है, कि जी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, ये तीन प्रोबेबिलिटीज होती हैं, ठीक हो गया। अच्छा अब हम आ जाते हैं अपनी डेफिनेशन पे। हमारी डेफिनेशन क्या थी जो लैंग्वेज मॉडल की थी, उसमें हम क्या चीज निकालना चाह रहे थे कि हमारे पास वर्ड्स हैं सेंटेंस बनाना है, या हमारे पास वर्ड्स हैं नेक्स्ट सीक्वेंस बताना है, क्या होगा, कौन सी प्रोबेबिलिटीज यूज हो रही होंगी। पहले तो सिंगल प्रोबेबिलिटी तो यूज होगी होगी, अगर एक ही वर्ड है उसी का सेंटेंस बनाना है तो वो तो है ही है, ऐसे ही है ना सर। फिर इंपॉर्टेंट कौन सी होगी, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी, के जी ए और बी इकट्ठे अकर हो रहे हैं, वर्ड्स बना रहे हैं ना जोड़ के, तो ए और बी इकट्ठे अकर हो रहे हैं, तो ये भी हम देखते हैं कि ये फार्मूला क्या है। बिल्कुल आसान सा फार्मूला, आपने देखा होगा, उसको एक्सप्लेन कर देंगे। अच्छा फिर एक मैंने ना नीचे लिखा चेन रूल, चेन रूल जी, ये वही मैथ वाला ही है। चेन रूल का मतलब क्या होता है, किसी को याद है जी, एक मिनट कोई नहीं बताएं। बिल्कुल ऐसे ही देखो, बिल्कुल आसान हो गया, देखें खुद हो गया, बेहतरीन हो गया। ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी क्या थी, दो वेरिएबल्स की, दो वेरिएबल के अंदर क्या होता है, अगर फार्मूला भी लिख भी सकता हूं लेकिन चलें अभी आ जाएगा वहां पे, लेकिन स्टिल ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी में क्या होगा, एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगी और एक सिंपल प्रोबेबिलिटी होगी। जैसे आसान लफ्जों में लिख लेते हैं, अगर कहते हो टाइम बचेगा बाद में, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी अगर है तो ये क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, नहीं सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, ऐसे ही है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ऐसे ही थी कुछ। चले देख लेते हैं, एक मिनट छोड़ दें, एग्जैक्ट फार्मूला देख लेंगे स्लाइड में, छोड़ दें, कंसेप्ट पे आ जाते हैं अभी, गलत नहीं बोलते, वो फंस जाएंगे बाद में, कंसेप्ट पे आ जाते हैं। हाँ गुस्सा करना है भाई ने, वो इसको ये संभालूंगा, इसका नहीं मसला। अच्छा नहीं कैसे, अभी ये तीन ही प्रोबेबिलिटीज होंगी, इनकी बेस पे देख लेते हैं फार्मूला क्या है, लेकिन कंसेप्ट की बात कर लेते हैं। चेन रूल का आइडिया सिंपल ये है कि दो का तो हम फार्मूला निकाल लेंगे ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी का, ए बी का, अगर ए बी और सी हो गए, तीन अगर होते हैं तो फिर क्या होगा, इसका मतलब ये है कि अगर बी ए पे डिपेंडेंट है तो सी बी पे डिपेंडेंट होगा, ऐसे ही है ना। तो ये चीज हमने अभी देखनी है कि चेन रूल में कैसे बनाते हैं फार्मूला। अच्छा अब इस पे दोबारा वापस आते हैं, अभी हम वर्ड यूज करें ए बी और सी ना, जब हमने लैंग्वेज मॉडल पे अप्लाई करना है तो सिंपल रहेगा, सिर्फ ए बी सी की जगह हमारे वर्ड्स आ जाएंगे W1, W2, W3। मेक सेंस, ये बात समझ आ जाती है, गुड हो गया। अगले दो वर्ड लिखे हैं स्टोकास्टिक या मार्कव मॉडल ना, इनकी भी मैं यहीं पे भी डेफिनेशन दे देता हूँ। अच्छा अब ये होता है कि जी मैं कहता हूँ यार ये क्लास अच्छी है या बुरी है, अच्छी है, लेट्स से अच्छी है, मेरे लिए सारे अच्छे हैं। एक तरीका क्या है, उसका निकालने का तरीका क्या है, मैं इनसे पूछता हूँ, वही बात आ जाती है, ग्रेड पूछता जाता हूँ सबका। ये जो मैं काउंट करता हूँ, ये काउंटिंग होगी 1 to n, जितने बंदे बैठे हैं, जैसे हो सकता है अभी 40 बच्चे बैठे हैं लेकिन आपको जी क्लास में 70 बच्चे, ऐसे ही ना, एग्रीड, ये है 1 to n। स्टोकास्टिक का मतलब ये है कि आप बजाय 1 to n करने के ना, इसका छोटा आप मॉडल ले लो, 1 to i कर दो उसको बस, ठीक है। अब उसमें फर्स्ट कर लें, वो भी कर लें, अब इसमें एक इशू ही आएगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, अनफॉर्चुनेटली मे बी सैंपल जो लिया आपने वो सही ना हो, समझा रही बात की। जैसे मैं कहता हूँ यार कि आप ग्रेड बताएं, भाई ने कहा 3.8, इनकी शक्ल देखी हुई है, जिन लोगों को मैं जानता हूँ हो सकता है सारे लाइक हों, या वाइस वर्सा भी, ऐसे ही ना, जिनको मैं समझता हूँ कि लाइक बच्चे हैं, जो मेरे साथ FIP कर रहे हैं, मैं कहता हूँ शायद ये बच्ची बहुत लाइक है, ये लाइक है, ये जो भी मेरे जहन में है, लेट्स से ऐसे ही। तो सैम्पलिंग जो है आप सबसे लाइक हैं, चलें खुश रहो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, सुने, स्टोकास्टिक में कन्वर्ट करने का क्या मतलब है कि बजाय पूरे डाटा पे लगाने के एक स्पेसिफिक हिस्से पे लगाएं, ठीक है। अब उसमें इशू ये आता है कि जैसे मैं कह रहा हूँ कि मेरे जैसा बंदा जो नहीं जानता, वो कहता है यार ये बंदे आ जाओ ना, तो वो खराबी होगी। उसके लिए फिर सैंपलिंग की काफ़ी सारी टेक्निक्स हैं कि कौन सा सैंपल उठाना है, ये बात समझ आती है। सबसे आसान सैंपल क्या हो सकता है, मैं रोज वाइज कहता हूँ कि यार ये 6 लोग बैठे हैं, आप में से बेस्ट उठ जाए, ठीक है, जिसे कहते हैं क्रॉस फोल्ड भी कहते हैं, जिसके लिए वर्ड क्रॉस फोल्ड, CROSS फोल्ड, यानी कि मैं डाटे को टुकड़ों में तकसीम करता हूँ और फिर क्रॉसिंग कर देता हूँ। इससे मुराद ये भी हो सकता है, मैं कहता हूँ जी आप सब में सबसे लाइक बच्चा उठ जाए, आप में सबसे नालायक उठ जाए, आप में सबसे लाइक, एंड सो ऑन, ये बात समझ आ रही है, ये है स्टोकास्टिक प्रोसेसिंग जी। कैसे, नहीं यार कैसे, ये देखो ना, 1 to n का मतलब पता है क्या, मैंने उनका नाम लिया, रोल नंबर लिखा, आगे ग्रेड लिख दिया, फिर इनका लिखा, ऐसे ही। उसके निस्बत में क्या है, मैंने सिंपल एक
इनमें से एक को पिक कर लिया किसी को ना, अब उस पिकिंग में बाय रैंडम भी हो सकता है, ठीक है, बाय रैंडम भी हो सकता है, बाय की रूल भी हो सकता है। अगर रैंडम लेते हैं, पहले एग्जांपल जो बेस केस है वो आप देख लो, 1, 2, 3, 10 बंदों का टोटल कर रहे हैं और एन के अंदर हम 50 का पूरे का कर रहे हैं, तो स्टोकास्टिक बहुत फास्ट होगा। जी जी, अच्छा वही मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, देखिए अगर रैंडम हम ले रहे हैं वो तो स्ट्रेट अवे हो गया। दूसरा केस फिर ये हो सकता है, उसमें भी हमने डाटा रिकॉर्ड नहीं कर रहे, हम सिर्फ सॉर्ट कर रहे हैं, रिकॉर्ड नहीं कर रहे, हम सिर्फ सॉर्ट कर रहे हैं, कंपेयर कर लें, सॉर्टिंग कर लें, रिकॉर्ड नहीं कर रहे, जो एन वाला उसमें रिकॉर्डिंग कर रहे हैं पूरी, ठीक है जी। इन एनी केस स्टोकास्टिक की भी डेफिनेशन समझ आ गई। अच्छा, तीसरी इंपॉर्टेंट जो है ना यहाँ पे मार्कअप है, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो लॉजिकल भी है थोड़ी, वो भी देख लेते हैं। पहले भी शायद हम बात कर चुके हैं और बड़ी आसान सी इस पर भी बात आ जाती है, शायद मैं पहले डिफाइन कर चुका हूँ, एन ग्राम्स का मैं बता चुका हूँ पहले, यहाँ नहीं बताया, अभी कर लेते हैं, अभी कर लेते हैं, नहीं बताया अभी, ये नहीं भी बताया, इधर अभी कवर हो जाएगा। एन ग्राम्स का एक वर्ड मैंने लिखा है यहाँ पे। अब मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर मैंने लिखना है आई वॉन्ट, आगे मैंने अगर वर्ड गेस करना है, ठीक है, तो क्या तरीका है कि वर्ड गेस हम करें ना, कि अगला वर्ड क्या होना चाहिए, क्या तरीका है इसका, वो कौन से रूल्स होंगे, ग्रामर के होंगे, ऐसे ऐसे, गुड, वो क्या ग्रामर क्या बनेगी इससे। मैं दोबारा लेता हूं, क्या ये जो वर्ड है, ये जो वर्ड है ये इंडिपेंडेंट हो सकता है इससे, ठीक है, अच्छा ये जो वर्ड है इंडिपेंडेंट हो सकता है इससे, लॉजिकली नहीं हो सकता, ऐसे ही बचो। अच्छा इसी तरह क्या ये जो वर्ड है, अगला क्वेश्चन ये है कि क्या ये वर्ड सिर्फ इस पे डिपेंडेंट है या इस पे भी डिपेंडेंट है, यानी कि इस तरह है, दोनों पे एग्रीड, ऐसे ही है, ऐसे ही। अच्छा अब वापस आते हैं, हमने ना लास्ट लेक्चर यू आपका हुआ था उसमें बैग ऑफ वर्ड्स पढ़ा था, क्या मतलब था उसका, वर्ड्स की वोकैबुलरी क्या थी, आप पढ़ने वाले बच्चों बताओ, बैग ऑफ वर्ड्स का चलो आसान लफ्जों में ये था कि आप यार बोले ना क्या, अगर वो बेचारा बोल रहे बोलने तो दोस्त है इन्हें, बैग ऑफ वर्ड्स के अंदर सिंपल ये था कि जो वर्ड्स हैं वो इंडिपेंडेंट है, कोई चक्कर नहीं है। इससे मुराद क्या है कि आपके पास, आपसे मैं कुछ कहता हूँ यार कि ना 100 वर्ड्स लिखो लेट से, ठीक हो गया, और 100 वर्ड्स मैं कहता हूँ यार एजुकेशन के अगेंस्ट कर दें, या कोई एक टॉपिक दे देता हूँ, आपसे मैं कहता हूँ 100 वर्ड्स लिखें, और मैं क्या करता हूँ फिर एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनाता हूँ, जो सबसे ज्यादा वर्ड अकर हो रहा है आप कहते हैं यार वो यहाँ वर्ड आ जाएगा, आपको कोई पता नहीं पीछे क्या है आगे क्या है उसके, ये बात याद आती है मैंने करवाई थी, एग्रीड ऐसे। दूसरा क्या है कि नहीं यार यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है वो इसके डिपेंडेंट हो, ठीक है, और तीसरा इससे भी पिछले के हो, चौथा उससे भी अगले के हो, एंड सो ऑन, ऐसे ही। अब यहाँ क्वेश्चन ये आता है, जो रिसर्च कम्युनिटी कहती है वो ये कहती है कि भाई कितने तक पीछे तक जाना चाहिए, कितने ग्राम्स तक जाना चाहिए। अच्छा ये जो सारे हैं ना ये ग्राम्स है, यानी कि इधर से गए 1 ग्राम फिर ग्राम, ये ग्राम वर्ड को ही कह रहे हैं। क्या आंसर होना चाहिए इसके, कितने ग्राम तक जो है ना रिजल्ट अच्छा होगा, 3, 4, 5 कितने। जी मैं जो हूं, मैं अगर अपनी बात करता हूं, मैं जो बात करूंगा मैं कहूंगा जब तक सेंटेंस खत्म नहीं होता, लॉजिकली यही होना चाहिए ना, ऐसे ही है। लेकिन जो रिसर्चर है या ये जो मार्कअप नाम लिखा है, इसने कहा नहीं यार सिर्फ अपने से पिछला बस, और उसकी उसकी लॉजिक वो क्या दे रहा है, वो कहते हैं क्योंकि ये इस पर डिपेंडेंट है और अगर हम सिर्फ इसको पढ़ें तो ये इससे पिछले पर डिपेंडेंट है, समझ आई बात की कि नहीं। इसी तरह अगर आई से कोई पहले होगा तो आई उस पर डिपेंडेंट है, तो वो लॉजिकली वही चीज बन जाएगी कि पिछले सब पे डिपेंडेंसी आ जाएगी, पहली चीज। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट क्या होती है, एक तो ये लॉजिकली बात हमारी समझ आती है, दूसरी मैंने पहले भी कहा था कि जब भी हम एल्गोरिथम बनाते हैं ना, हम कोशिश करते हैं वो जेनेरिक को स्पेसिफिक ना हो, वो स्पेसिफिक ना हो। इसका मतलब ये कि अगर हम एक वर्ड को अपने से पिछले सब पे डिपेंडेंट रखते हैं तो वो बड़ा स्पेसिफिक होगा, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ आई वॉन्ट टू गो टू मार्केट, आई वॉन्ट टू गो टू मार्केट, अब क्या है कि अगर वो सब पे डिपेंडेंट है तो एक इंस्टेंस, और मैं इस तरह कर लेते हैं, मैं कहता हूँ आई वॉन्ट टू गो टू मार्केट, ठीक है। अब मैं कहता हूँ जी मार्केट जो है ना अपने से सब पिछले वालों पे डिपेंडेंट है, ठीक है, और मेरे पास एक डाटा सेट है जिसमें ये सेंटेंसेस 100 दफा लिखा है, आई वॉन्ट टू गो टू मार्केट 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 मार्केट, ऐसे ही। भाई आते हैं वो कहते हैं नहीं जी आई वॉन्ट टू गो टू कैंटीन, तो मेरा एल्गोरिथम कभी भी गेस नहीं कर पाएगा कि जी कैंटीन कभी आनी चाहिए जब तक उसके 100 जुमले नहीं आएंगे। ये बात समझ आई मेरी बात या नहीं,
ऐसे है ना, नहीं समझ ये वाली आसान आसान कोई अभी आ जाती है। देखें मैं ना आपसे कहता हूं कि एक और एग्जांपल कर लेते हैं, मैं यहां पे कहता हूं, पहले भी शायद कही थी, मैं दोबारा कहता हूं, मैं कहता हूं आई वांट के आगे ना मैंने ना एक वर्ड सिलेक्ट करना है आपसे, ना मैं पूछता हूं यार कौन सा वर्ड होगा, ठीक है आसान से कर लेते हैं। लेट्स से जी पहली रो से पूछते हैं, कोई बच्चा बताए क्या वर्ड होना चाहिए, कोई फूड आ गए, चलें जी पहले भी शायद हो चुकी है भाजी, हाँ स्लीप आ गए, ये वही वर्ड दोबारा आ गए, तीसरा कहेगा छुट्टी दे दो लीव, ऐसे है ना, चलें ये तीन भी कर लें, लेट्स से तीन कर लें, तीन कर लें, तीन कर लें। अब मैं अगर ये कर देता हूं, मैं कहता हूं यार ये आपकी पूरी क्लास है ना हमने ये तीन ही वर्ड कहे सिर्फ, ठीक हो गया बच्चे। अब क्या होगा, जब भी स्लीप आएगा, स्लीप आएगा या वांट आएगा, आपको पता है अगला वर्ड स्लीप लीव या फूड होगा, ऐसे है ना, तो ये बड़ा ही गंदा लैंग्वेज मॉडल होगा, क्योंकि क्योंकि रीजन क्या होगी, रीजन क्या होगी, हो सकता है आप में से कोई कह रहा हो आई वांट स्टडी कि मैं पढ़ना चाहता हूं, ऐसे है ना, कौन सा बंदा जो पढ़ना चाहता है, एक मिनट ठहरे, कोई तो ऐसा शहजादा होगा, नहीं चलो ये नंबर ऐसे लगते हैं, ये मैं सच बता रहा हूं, मैं इस लिहाज से काफी बदनाम तो नहीं कहना चाहिए लेकिन वीक हूं कि जो मुझे याद होते हैं उनके नंबर अच्छे आ जाते हैं, तो इसलिए इंप्रेशन अच्छा रखिएगा, हाँ जो जो नोटोरियस होते हैं वो भी मुझे याद ही रहते हैं। अच्छा ये दोबारा आपको बात समझिए जो समझाना चाह रहे थे, देखें अगर हम रिस्टिक कर देते हैं ना, रिस्टिक का मतलब ये है कि अपने से सब पे डिपेंडेंट है पिछलों पे, तो आपके पास स्पेसिफिक हो जाएगा, स्पेसिफिक चीज कंप्यूटर साइंस में नहीं चलती, ठीक है उसके बाद वैरायटी होनी चाहिए, वो जेनेरिक की तरफ होना चाहिए, बाकी कुछ एग्जांपल्स अभी आगे भी आ भी जाएंगे, ठीक हो गया। अच्छा जी मार्कफ का भी आपको समझ आ गई मेरा ख्याल है, स्लाइड्स खोल लेते हैं जरा, थोड़ा चलते हैं, वैसे वो स्लाइड्स कॉपी की है, हाँ जी कर दी थी, ठीक हो गया। अच्छा जी ये वाली फिर कुछ स्लाइड्स हैं, ये थोड़ी सी देखते हैं, इनमें ये क्वेश्चन दोबारा भी थोड़े से सामने भी आ जाएंगे और क्विकली होगा। लैंग्वेज मॉडल इंट्रोडक्शन टू एनग्राम, स्लाइड्स टेकन फ्रॉम स्पीच एंड लैंग्वेज प्रोसेसिंग बुक है मार्टिन जास्की की, MIT की, उधर से कॉपी की हुई है स्लाइड्स में, ये यहाँ पे लिखा हुआ, आसान लफ्ज करना चाहिए ना, सच बोलना चाहिए, इसमें गलत क्या है यार, अपनी लगा दें वो MIT की स्लाइड है, हम कैसे कहेंगे हमारी अपनी है, ऐसे है ना, नहीं इंटेग्रिटी है, चलो गुड हो गया। इन एनी केस वापस आ जाए, वापस आ जाए, अब यहाँ पे लैंग्वेज मॉडल के डिफाइन मैं काफी दफा कर चुका हूँ, इन लोगों ने जो बुक्स की एग्जांपल है वो दी हुई है कि लैंग्वेज मॉडल की जरूरत क्या है, जैसे आप कहते हो ना जी मैं भी कह सकता था यार अच्छा वर्ड्स मौजूद हैं क्यों सेंटेंस बनाना है, वर्ड्स मौजूद हैं प्रेडिक्ट क्यों करना है, तो कुछ उसकी एप्लीकेशन दी हुई है और उन्होंने फिर एक नई कहानी डाल दी कि पहली एप्लीकेशन उन्होंने बताई है मशीन ट्रांसलेशन की। मशीन ट्रांसलेशन से मुराद सिंपल क्या था कि आपके पास एक लैंग्वेज में टेक्स्ट लिखा हुआ है आपने उसे दूसरे में कन्वर्ट करना, ऐसे है ना, जैसे कल क्लास में समझ आ रही थी मैंने बड़ा अच्छा लतीफा सुनाया और अपने ऊपर ही कोट कर दिया, आप भी दोबारा सुनाते हैं, दोबारा सुनाते हैं, लेट्स से हम सैर करने कहीं जाते हैं, लेट्स से ना मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ, मैं गया इटली, लेट्स से इटली गया, साउथ कश्मीर में तो नहीं है ना, इटली गया, इटली तो अच्छे मुल्क जाते हैं, अच्छे मुल्क जाते हैं, अच्छे मुल्क ना, लेट्स से जी इटली में चले गए, इटली में चले गए, सुने 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 इटली में चले गए, लेट्स से इटली में चले गए, सुने सुने तो सही यार, नहीं जाना ना जाए यार आगे चले जाते हैं, लेकिन ये एग्जांपल है, ये एग्जांपल है और हम ना पाकिस्तान के लिए करना चाह रहे हैं ये वाली चीज ना जो आपकी लोगों ने की हुई है, वैसे हम इटली में चले गए हमने ना वहाँ पे नक्शे उठाए होते हैं, आप लोगों में से इंशाल्लाह कई लोग जाएंगे, अब वहाँ पे आप जाते हैं ना तो आपने कहीं जाना है तो कुछ इटालियन लैंग्वेज में लिखा समझ ही नहीं आ रहा, ऐसे पहली चीज चले जी, दूसरे फिर ये हुआ कि अच्छा वक्त आया थोड़ा अंग्रेजी में नक्शे आ गए, ठीक है लेकिन वहाँ पे जो साइन बोर्ड लगे हुए हैं ना वो इटली में लिखे हुए हैं, इटालियन में लिखे हुए हैं, और हकीकत ऐसी है कि मैं जैसे हूँ देखने में इंडियन ही लगते थे देख के, मैं कोई गया आंटी के पास अंकल के पास, मैंने जाकर उसे कहा सर ये नक्शा एड्रेस तो बताया ना, वो पीछे डर गया, उसने बोला कोई दहशत गर्द आया कोई बम ही ना मार दे, ये होता है, ये आप लोगों के साथ होगा, फीमेल की मैं गारंटी देता, लड़कों के साथ बेचारे जो जाएंगे पढ़ने के लिए बड़े खुश हो गए यहाँ से, वो जब जाके किसी पूछते ना हो गया था यार पता नहीं पीछे हट किधर आके बात करने लग गया, ऐसे है ना, इन एनी केस, इन एनी केस अब उस पर वापस आते हैं कि नीड उसकी क्या है, सिंपल लफ्जों में आपने अब ऐप आई हुई है जो आप किसी की तरफ करते हो, चाइनीज में लिखा है कहीं पे भी लिखा है वो उसे कन्वर्ट कर देता, होता है नहीं वाली चीज। अच्छा अब इसकी एप्लीकेशन लैंग्वेज मॉडल में कैसे, वो यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, वो एग्जांपल ऐसे दी हुई है कि लेट से आपके पास एक उर्दू में टेक्स्ट लिखा था आपने इंग्लिश में कन्वर्ट किया, उसने लफ्ज बाय लफ्ज तर्जमा कर दिया,
ऐसे होता है ना, हर्फ बाय हर्फ तर्जमा कर दिया। अब वो जो हर्फ बाय हर्फ तर्जमा है, मे बी वो इंग्लिश में सही तर्जमा ना हो, ऐसे है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये जो एग्जाम्पल है, हाई विंड्स टू नाइट या लार्ज विंड्स टू नाइट, आपने क्या किया, आपने कहा जी आज शाम को तेज हवाएं चल रही होंगी, ठीक हो गया। तो तेज हवाओं के लिए मे बी जब उसने हर्फ बाय हर्फ किया तो उसने कहा जी लार्ज विंड या हाई विंड्स, तो आप क्या लैंग्वेज मॉडल ये बताएगा कि असल सेंटेंस क्या होना चाहिए, ठीक है। ये उसकी एग्जाम्पल दी है। अच्छा, इसी तरह स्पेल करेक्शन में आप सब जानते हो कि लैंग्वेज मॉडल के टिका के एप्लीकेशन है। इवन अभी जो आपके पास मोबाइल्स चल रहे होते हैं, इनमें भी चल रहा होता है, इसी तरह वर्ड के अंदर भी चल रहा होता है, एंड सो ऑन। सिर्फ एक इसके अंदर एक चीज़ है, वो भी मैं ऐड ऑन कर देता हूँ। ये जो वर्ड्स हैं या मोबाइल, आपके मोबाइल्स हैं या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है या बाकी सारे सॉफ्टवेयर हैं, ये सारे जो है ना, ये डिस्कनेक्टेड डेटाबेसेस होते हैं। डिस्कनेक्टेड का मतलब क्या होता है कि जब आप वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे होते हो, कनेक्टेड होती है, उसी वक्त अपडेट कर रही होती है। जो ये सारी चीज़ें डिस्कनेक्टेड हैं, इसका मतलब ये है कि नेट चल रहा है या नहीं चल रहा, इनकी कॉर्पस इनके साथ ही अटैच्ड है, ये खुद ही अपडेट कर देते हैं उस चीज़ को, ठीक है जी। ये बात भी समझ आ जाती है, ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह स्पीच रिकग्निशन के अंदर, कि जब आप कोई स्टेटमेंट बोलते हो तो वो एक ही तरह के लग रहे होते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ें। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं। ये कुछ डेफिनेशन है जो मैंने पहले भी बोली है। हमारा गोल क्या है कि हमने सेंटेंस बनाना है या लैंग्वेज मॉडल, और ये हमने कहा है कि इसको ग्रामर भी कहते हैं लेकिन लैंग्वेज मॉडल यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसको थोड़ा सा फार्मूले के लिहाज से लिख दिया कि वर्ड्स का मतलब क्या है कि वर्ड्स हमारे पास W1 से लेकर WN तक वर्ड्स हैं, उन्हें कंबाइन करके एक सेंटेंस बनाना है, या W5 को गैस करना गिवन W1 से 4 तक, ठीक है। अच्छा जी, अब ये एक एग्जांपल लिए, ये एग्जांपल आपने याद रखनी है क्योंकि इस पे बाद में बहस आएगी हमारी ना। अच्छा, एग्जांपल क्या है, जैसे अभी तक हम लगे हुए थे I want to ना, उन लोगों ने बुक की जो एग्जांपल लिए वो ये है कि आपके पास एक कॉर्पस है, वो कॉर्पस भी अभी आगे आएगा इन स्लाइड्स में। प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स वाटर इज सो ट्रांसपेरेंट दैट, और अगला वर्ड गैस करना है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 वर्ड दिए गए, सातवां वर्ड बताना है आपने ना, ये बात समझ आती है। यही एग्जाम्पल आगे भी अभी चलेगी कुछ स्लाइड्स तक ना, समझा रही वाली बात। यानी कि आपने क्या करना है कि आपने बताना है कि जी पहला ये सेंटेंस प्रोबेबिलिटी इट्स वाटर इज सो ट्रांसपेरेंट दैट, अगला वर्ड बताओ क्या होगा, दी होगा, ही होगा, व्हाट होगा, क्या होगा जी, यू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, वही चीज अभी देखते हैं कौन से होंगे वो, ठीक है जी। अच्छा जी, पहले आ जाते हैं चेन रूल पे, इसको अगर वो कर लेते ज्यादा बेहतर समझ आता। ये आ जाते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो हम करने से कोशिश करने की, वो कहाँ गया हमारा पेन, अच्छा सॉरी उठा के ले हैं। अच्छा, इन्हें नहीं किसी पहले ही लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, ठीक है, यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, और ये किसके इक्वल है, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी और गिवन ए इज अवेलेबल, ठीक है, ये सिंपल सी डेफिनेशन है। इसको अगर रीराइट करें ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी में ए बी में, तो ये क्या बता रही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी ए जो है वो गिवन है, ठीक है जी, ये बात समझ आती है। ये पुराने फार्मूले हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। अच्छा, इसी तरह मोर वेरिएबल्स क्या है, ये वाला थोड़ा सा है, अगर ये चार वेरिएबल्स में कर दें ए बी सी डी, तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, ठीक है। चेन रूल के लिहाज से फिर ये कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सी जो होगी वो ए बी पे डिपेंडेंट होगी, प्रोबेबिलिटी डी जो होगी वो ए बी सी पे होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो होगी वो पिछले चार पे होगी, ये एक चेन रूल का सिंपल, ठीक है जी। इसी चीज को यहां पे फिर किया इसमें कन्वर्ट एक्स वन के अंदर, वो क्यों किया है, आपको याद होगा लास्ट टाइम या अगला भी जो लेक्चर हमारा टेक्स्ट क्लासिफिकेशन का होगा, उसमें हमने ये कहा था कि जो वर्ड्स हैं उनको हम फीचर्स से प्रेजेंट करते हैं और फीचर्स को हम एक्स के लिहाज से लिखते हैं। आपको भी याद आ जाएगा मैंने लिखा था कि एक्स बड़ा और वो था एक्स वन से लेकर एक्स एन तक, ठीक है जी, ये बात भी याद आ जाती है, यही चीज हमने यहां लिखी है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वन और ये बाकी सारा, यहाँ कोई क्वेश्चन है अभी, ठीक है बच्चों, समझ आ रही वाली बात, ठीक हो गया जी जी सॉरी जी जी वो भी दिखाते हैं ना एग्जांपल्स, वही तो बता रहा हूँ, वही दिखा रहा हूँ, अभी करते हैं कंप्लीट होने दें फिर क्वेश्चन कर लीजिएगा। अच्छा, इसी को फिर जोड़ा हुआ है, ये जो हमने पहली पिछली स्लाइड पे फार्मूला दिया हुआ था, अगर इसको एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना हो तो क्या ये इक्वेशन यही बनेगी, प्रोडक्ट ऑफ आई वेयर दिस इज अ इक्वेशन, वो कैसे है कि डब्ल्यू टू जो है लेट से वो वन पे डिपेंड कर रहा है, डब्ल्यू थ्री जो है वो पिछले से, डब्ल्यू फोर उससे, और डब्ल्यू एन एन माइनस वन पे, ठीक हो गया। ये हमने सिंपल प्रोडक्ट लगाई हुई है इसमें, ठीक हो गया।
अच्छा इसी तरह आप इसको लिख लेते हैं, क्योंकि हमने सॉल्व क्या करना था, ये तो फार्मूला हो गया, हमने सॉल्व जो एग्जांपल करनी है वो ये थी प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स वाटर इज सो ट्रांसपेरेंट। अब आप इसके अगर प्रोबेबिलिटी निकालें वो कैसे निकलेगी, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स, फिर वाटर डिपेंडेंट ऑन इट्स, फिर इट्स इज डिपेंडेंट ऑन इट्स वाटर, फिर सो डिपेंडेंट इट्स वाटर और ट्रांसपेरेंट इट्स वाटर इज सो। ठीक है, एग्री, ऐसे ही होना चाहिए ना, ठीक हो गया। अच्छा अब आ जाते हैं इसके ऊपर कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे, ठीक है ना, अब करना भी है ना हमने। अच्छा अब मैं उठा लेता हूं, जैसे किसी ने कहा था यू हो सकता है, मैंने कहा या बुक ने कहा दी हो सकता है एंड सो ऑन। अब सबसे पहला तरीका ये हो सकता है कि यार हम जो इतनी एफर्ट कर रहे हैं कि जी पिछले पे डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटीयां निकालें ये वो करें, अगर हम ये कर लें कि सिंपल कॉर्पस उठाएं और उसमें काउंट कर लें कि दैट के बाद दी कितनी दफा है, ठीक है, या पहली बात तो ये कि ये सेंटेंस खुद कितनी दफा कॉर्पस में आया, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी आई वांट टू गो टू स्कूल या आई वांट टू लीव और व्हाटएवर, हमारे कॉर्पस में कितनी दफा आया हुआ है, और फिर सिंपल काउंटिंग करके हम ये बता दें कि ये आंसर होगा उसका, तो ये सारी मसला ही हल हो जाता, ऐसे ही है। अच्छा वही चीज इन्होंने कही हुई है कि अगर आप सिंपल ये कर लो, काउंट करो इट्स वाटर इज सो ट्रांसपेरेंट दैट के बाद दी कितनी दफा है, और फिर नॉर्मलाइज करने के लिए मानी छोटे रखने के लिए काउंट कर लो कि ट्रांसपेरेंट दैट कितनी दफा है, तो ये प्रोबेबिलिटी दे देगा, ऐसे है ना। इट्स वाटर इज सो ट्रांसपेरेंट दैट जो है वो ज्यादा ही आया होगा ना दी से, समझ आ रही बात की। इसी तरह मुझसे पूछो यार क्वेश्चन, तो मुझसे पूछ लें, जाने तो चले जाएं यार, नो वरीज, ये मैं बार बार पर कहता रहता हूँ, यूट्यूब पे मौजूद ही है लेक्चर, आप आराम से देख लीजिएगा, जाने चले जाएं बोर हो रहे हैं तो, ठीक है। अच्छा इन्हें किस प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स वाटर इज सो ट्रांसपेरेंट दैट दी और डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स वाटर इज सो ट्रांसपेरेंट, अगर ये कर लें काउंट करके तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, एग्रीड। तो क्यों हम इतनी ज्यादा एफर्ट कर रहे हैं, उसके नीचे नुकसान लिखे हैं, पहली चीज ये लिखी है टू मैनी पॉसिबल सेंटेंसेस, दैट के बाद दी भी आ सकता है, यू भी आ सकता है, ही भी आ सकता है, शी भी आ सकता है एंड सो ऑन, ऐसे है ना, एग्रीड, ऐसे ही है। जैसे मैंने लिखा था आई वांट, उसके आगे हजारों वर्ड हो सकते हैं, छोटी सी मिसाल मैं ये देता हूं, अगर मैं आपसे अभी भी कहूं कि यार आई वांट के आगे वर्ड लिखो तो अभी आप दो दो तीन तीन वर्ड सब बता दोगे, ऐसे ही है। और अगर मैं आपसे कहूं नहीं यार ये असाइनमेंट है पांच पांच वर्ड यूनिक लिखने हैं तो वो भी कर ही लोगे ना, लिख ही लोगे, और अगर वो कंप्यूटर के लिए बनाना है तो पूरी वोकैबुलरी अटैच कर दोगे, ऐसे ही, तो टू मैनी पॉसिबल सेंटेंसेस। दूसरा मसला उससे ज्यादा, वी विल नेवर सी एनफ डेटा फॉर एस्टिमेटिंग दीज, इसका क्या मतलब है, क्योंकि हमने जेनेरिक बनाना है तो इतना बड़ा डेटा सेट नहीं बनेगा, मे बी आपकी क्लास का कुछ और हो, अगली क्लास में पढ़ाएं वो कुछ और कह दे, उससे अगली क्लास में कुछ और आ जाए डेटा, ऐसे ही है ना। और मे बी चलें और ऊपर लेवल पे लें, क्लासेस का हो सकता है मैच करे भी सही, यही कोर्स हम किसी और यूनिवर्सिटी में बाहर जाके पढ़ाएं वो कुछ और होगा, जब MIT में वो पढ़ा रहे होंगे कुछ और स्टूडेंट्स वर्ड्स कह रहे होंगे, तो वो इस तरह ही चलेगा, एग्री, ऐसे ही चलें। फिर आगे इस पे चलते हैं, अच्छा इसको फिर बाद में जोड़ेंगे, लेकिन मार्कअप अजम्पशन ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि बजाय इसके सब पे हो पिछले पे डिपेंडेंट हो, ठीक है, लेकिन सिंप्लीफाइड अजम्पशन ये बता दिए कि दी जो है इट्स वाटर इज सो ट्रांसपेरेंट सारे पे डिपेंड करने के बजाय सिंपल दी जो है वो दैट पे डिपेंडेंट हो, ठीक है, और मे बी ये वाली चीज बताई है, ठीक है, उससे लास्ट पे, ठीक हो गया। इसी को स्टोकेस्टिक कर देते हैं, वो इसमें हो गया, बजाय इसके कि एक जेनेरिक रखेंगे सिंपल बस पिछले पे हो, स्टोकेस्टिक जैसे मैंने कहा था कि पूरे एन सेट के बजाय आयत सेट पे हो, वो ये डेफिनेशन लिखी है, ठीक है, ये बात भी समझ आ जाती है, यही चीज यहां पे बताई हुई है। एंड कहां पहुंचे अभी, एक मिनट ठहरें, अच्छा जी अब ये कुछ एग्जांपल्स है अभी ना, जैसे मैंने अभी बात की कि लेट से जो वर्ड्स है हमारे पास, हमने एक कॉर्पस है हमारे पास, आप लोगों से मैंने कुछ राइटिंग करवाई है एक कॉर्पस है, और मैं ये चाहता हूँ कि यार सबसे ज्यादा अकरिंग वर्ड कौन से हैं, उसके कहते हैं यूनीग्राम ना, यूनीग्राम, यूनी का मतलब सिंगल, ग्राम का मतलब वर्ड। अच्छा अब आप अगर ये स्लाइड्स पढ़ो और ये वर्ड पढ़ो, फिर अगली स्लाइड में आपसे पढ़वाता हूँ, फिर मैं पूछता हूँ इनमें क्या फर्क नजर आया आपको ना, पढ़ लें एक दफा, मुझे ना देखें, इधर देखें, पढ़ लिए वर्ड्स, ठीक है, एक दफा अगले पढ़ लेते हैं। पढ़ लें एक दफा आराम से, मैं पूछूंगा क्या समझे किससे, आप पढ़ लो आराम से, बच्चे आप कोई हेल्प कर सकते हैं, क्या समझ आती है इन दोनों स्लाइड्स को देख के, आप आखिरी जो बैठा भाई,
एंड वाला बॉस जी, क्या हो गया यार, नाम होगा कह रहे हैं तो बोले। अच्छा यही चीज मैं दोबारा रिपीट करता हूं, क्या इसको देख के फील हो रहा है कि ये वर्ड कनेक्टेड है, और जो पहला पहला जो था उसमें ये फील हो रहा है कि कनेक्टेड नहीं है, ऐसे ही लिखे हुए हो रहा है ना, यही मकसद इसे बताने का कि बाइग्राम के अंदर अगर आप पढ़ोगे तो आपको फील होगा कि पिछले पे डिपेंडेंसी है। जैसे जैसे पता नहीं ये टेक्स्ट आको रोज, कोई गुलाब की किस्म ही होगी ऐसे, है ना, रोज वन रोज इन वन दिस इन, यानी कि ऐसे पिछले वर्ड जो है पे डेफिनेशन नजर आ रही है, डिपेंडेंसी नजर आ रही है ऐसे ही। तो यही सिंपल बताने का मतलब दिखाया गया कि यार जो बाइग्राम है उसमें डिपेंडेंसी होगी, यूनिग्राम में नहीं होगी ऐसे ही। लेकिन अब इनके एडवांटेज क्या है वो भी अभी देख लेते हैं। अच्छा ये भाई ने क्वेश्चन किया था, ये इसका आंसर भी है कि बहुत ही अगर रियलिस्टिक अगर हम प्रॉब्लम देखें ना, उसमें यूनिग्राम बाइग्राम लॉजिकली नहीं चलते, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल ये इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, द कंप्यूटर्स विच आई हैड जस्ट पुट इनटू द मशीन रूम ऑन द फिफ्थ फ्लोर आर क्रैशिंग। अगर यहां पे इज है या आर है, अगर आपने ये वर्ड गैस करना है, लेट से ये वाला ना, ये वर्ड गैस करना है, कैसे होगा, ये इस पे डिपेंडेंट है इस पे ना, तो ये बहुत लॉन्ग डिस्टेंस है, ये लॉन्ग डिस्टेंस ऐसे है ना। तो इसका मतलब ये है कि जी यूनिग्राम या बाइग्राम या ट्राइग्राम भी एंड ऑफ हिस्ट्री नहीं है, लेकिन ये मेजॉरिटी ऑफ केसेस को सॉल्व कर देंगे, लेकिन कईयों पे नहीं भी चलेंगे, ठीक है। ये बताने का मकसद है कि चैलेंज है ये वाला इन एनी केस जी। जी बिल्कुल अब आसान सा इसको रखा। अच्छा एक चीज हमने ना बेस थ्योरम अभी तक नहीं देखा, बेस थ्योरम हमने नहीं देखा हुआ ऐसे है ना, चले कोई मसला नहीं, बेस थ्योरम नहीं देखा कोई, उसमें भी इशू नहीं है। एक ऑप्शन एक प्रॉपर्टी होती है मैक्सिमम लाइकलीहुड एस्टीमेशन, मैक्सिमम लाइकलीहुड एस्टीमेशन। जैसे जैसे हमने कहा कि हमारे पास गिवन वर्ड है दैट, उसके आगे कौन सा वर्ड सबसे ज्यादा अक्कर होगा, ठीक है जी, सबसे ज्यादा कौन सा वर्ड अक्कर होगा, इसको कहते हैं मैक्सिमम लाइकलीहुड एस्टीमेशन ऑफ ईच इंडिपेंडेंट वर्ड। दोबारा रिपीट करता हूँ, दैट का वर्ड दिया हुआ है और आपके पास ऑप्शन है दी यू ही वी एंड वट एवर, ऐसे है ना। मैक्सिमम लाइकलीहुड एस्टिमेशन ये कहेगी कि अगला कौन सा वर्ड अकर होगा। नाम मुश्किल है, कंसेप्ट बिल्कुल आसान है। आसान क्या है कि आपके पास जो कॉर्पस है आप उसमें से सिंपल काउंट कर लोगे कि दैट के बाद दी कितनी दफा है, दैट के बाद ही कितनी दफा है, एंड सो ऑन, समझ आता है। और दूसरी आखिरी चीज उसको कंट्रोल में रखने के लिए सिंपल डिवाइड भी कर दोगे टोटल दैट के काउंट से, ये बात समझ आइए। दोबारा रिपीट कर दूं, देखें आपके पास ऑप्शन है दैट दी, दैट ही, दैट शी, दैट वी, ये चार ऑप्शन है ऐसे ही ना सर। लेट से दैट दी जो आया 10 दफा, दैट ही आया 5 दफा, दैट शी 4 दफा और 1 दफा चौथा, ठीक हो गया। अब आपने ये वाली चीज तो ये ऊपर वाली है, यानी कि ये सॉरी यार कोई बात नहीं अभी कर लेते हैं, ये चीज है। अच्छा लेट से ये दैट है और ये दी है ऐसे ही है। आपने इसका काउंट कर लिया कि दैट के बाद दी कितनी दफा है, 10 दफा। इसी तरह फिर दैट के बाद ही कितनी दफा है, लेट से 5 दफा, बस ये 2 रखते हैं, ठीक हो गया। अब 1 10 आया, 1 5 आया, इसको प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करने के लिए जैसे भाई ने भी कहा था सिंपल आप डिवाइड कर दोगे काउंट दैट से, ऐसे ही ना। तो जो दैट है वो ज्यादा ही आया होगा ना दैट दी से, या दैट ही से, या दैट उससे, ऐसे ही ना बच्चों, ये वही चीज सिंपल कर, ठीक हो गया। और इसको काउंट को बस सी लिख दिया और सॉन्ग, ठीक है जी। अच्छा जी अब इसके एक एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा अब ये एग्जांपल हमारे पास क्या है, लेट्स से हमारे पास छोटा सा कॉर्पस है, ये 3 सेंटेंसेस हैं। सेंटेंस 1, आई एम सैम, सैम आई एम, आई डू नॉट लाइक ग्रीन एग्स एंड हैम, इस तरह के सेंटेंसेस हैं, ठीक हो गया। अच्छा अब हमने प्रोबेबिलिटीज निकालनी है मुख्तलिफ वर्ड्स की। पहला जो वर्ड है हमारे पास है कि जो आई है वो स्टार्ट ऑफ सेंटेंस में कितनी दफा है, इसकी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, वो कितनी दफा है, आई स्टार्ट ऑफ सेंटेंस में कितनी दफा है, 1 और ये 2, और स्टार्ट ऑफ सेंटेंस का सिंबल कितनी दफा है, 3, तो वो सिंपल वो काउंटिंग है, 2/3 किया 0.67। अगला हमारे पास है सेम स्टार्ट ऑफ एस में कितनी दफा है, 1/3 होगा ये, ऐसे ही है। अच्छा पर एम और आई अभी स्टार्ट का नहीं है, बस सिंपल ये है कि एम कितने दफा है, आई कितने दफा है, एम एम आई कितने दफा है, ठीक है, ये इस तरह ये काउंट नहीं होना, ठीक हो गया।
चलें, एक ये एग्जांपल होगी स्टेट ऑफ, एक छोटी सी एग्जांपल है, 5 मिनट में खत्म करके लेक्चर भी डिवाइड खत्म हो जाएगा। मैं बैकग्राउंड बता दूं उसका। अगली जो कुछ स्लाइड्स आ रही हैं वो ये है कि आपके पास ना एक और, जैसे अभी मैं नाम ले रहा हूँ ना स्टैनफर्ड MIT वगैरह, एक और यूनिवर्सिटी है बर्कले नाम है उसका, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले, बर्कलेस तो बैंक है, बर्कले की बात करूँ, अच्छा इन्हें नहीं, किसी नहीं, उन लोगों का एक डाटा सेट है और डाटा सेट उन लोगों ने हमारी तरह ही बनाया। उनकी बर्कले की जो कैंटीन थी जहाँ पे बच्चे और टीचर वगैरह खाने पीने जाते होंगे, उन लोगों ने ना उनकी वॉइसेस को रिकॉर्ड करके वहाँ पे ना एक डाटा सेट बनाया और उसको रिसर्च के लिए ओपन किया इससे। और उसकी बेस पे एक छोटा सा प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि उन्होंने सिर्फ ये बताना है कि यार आई वॉन्ट टू हैव चाइनीज फूड, आई वॉन्ट टू हैव इंग्लिश फूड या आई वॉन्ट टू हैव देसी फूड, लेट्स से इन तीनों में से हमने बताना है कि किसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, जैसे मैं लेट्स से रिपीट करता हूँ, मेरे पास वर्ड्स हैं आई वॉन्ट फूड चाइनीज इंग्लिश देसी, तो इन 6 में से सेंटेंस कौन सा बनेगा, ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है बस। समझ आ गई मेरी बात की? उसके स्टेप्स हैं वो देख लेते हैं और लेक्चर अभी खत्म हो जाएगा। अच्छा जी, ये चीज़ यहाँ पे लिखी है जो मैंने बोल दी है प्रॉब्लम, और कुछ एग्जांपल्स बताई हैं वो आप देख लीजिएगा, वैसे पढ़ लिखी हुई है। अच्छा जी, ये आ जाते हैं यहाँ पे, ये उनका कॉर्पस है जिसमें कोई 9000 के करीब सेंटेंसेस थे टोटल, जैसे मैंने कहा आई वांट इंग्लिश फूड, आई वांट ये वो सारी चीज़ें ऐसे। और ये कुछ यहाँ पे ना वो लिखे हुए हैं, बाइग्राम्स दिए हुए हैं, ये ऐसे हैं, आई के बाद आई कितनी दफ़ा है, आई के बाद वांट कितनी दफ़ा है, आई के बाद टू ईट चाइनीज फूड कितनी दफ़ा है। ठीक है, इसी तरह वांट के बाद क्या वर्ड्स आ रहे हैं, टू के बाद क्या, ईट के बाद चाइनीज एंड सो ऑन। ठीक हो गया, इसको कहते हैं कोरिलेशन टेबल, वैसे ना कोरिलेशन टेबल कहते हैं, ये याद रखिएगा वर्ड ना। बेसिकली ये जो सारे टेबल्स इस फॉर्म में होते हैं ना, इनके लिए मेन वर्ड यूज करते हैं उसे कहते हैं कंटीजेंसी टेबल, कंटीजेंसी। ठीक है, कंटीजेंसी का मतलब क्या होता है, जो आप लोगों के बिल भी बनते हैं ना वो एक जिसमें कोई रिलेशनशिप मौजूद हो। ठीक है, फिर कन्फ्यूजन टेबल एक अलग कहानी है, बाकी कहानी अलग है, ये कोरिलेशन है। कोरिलेशन से मुराद क्या है, इसमें और इसमें क्या रिलेशन क्या है। ठीक हो गया, अच्छा इन्हें कैसे, इन्हें कैसे आई के बाद वांट और ये सारी चीज़ें हमारे पास आ गई। ठीक हो गया बच्चों, गुड हो गया। अच्छा अब इसको बस आसान लफ्जों में दोबारा हम जाते हैं आगे। सबसे पहले हम कर देते हैं नॉर्मलाइज बाय यूनिग्राम्स। क्यों करेंगे नॉर्मलाइज बाय यूनिग्राम्स, क्योंकि जो आई वांट आना था, आई वांट आना था उसको किसी से डिवाइड करना है ना। हमने फार्मूला क्या पढ़ा था, सी डब्ल्यू आई कॉमा CWI-1 ऐसे था, और फिर डिवाइडेड बाय WI-1 ऐसे ही था ना। तो वही चीज है कि अगर आपने आई वांट करना है तो पहले आपने किसी से डिवाइड करना है, वांट टू करना है तो उससे डिवाइड करना है, एंड सो ऑन। ये वो टेबल बना हुआ है। ठीक है, समझ आ रही बात, ऊपर से गुजारी। ठीक है जी, ये वो टेबल बनाया हुआ हमने कि पहले इनकी अपनी यूनिग्राम्स ले लिए कि आई कितने दफा है, वांट कितने दफा है, सो ऑन। फिर ये देखना है कि आई वांट जो था लेट्स से वो 9 दफा था, पिछली साइड पे 5 दफा था, तो 5/25/33 हो जाएगा, वो वैल्यू आप निकाल लोगे। इसी तरह ये कैसे आ रही है, ये वैल्यूज आपने देखनी है। ठीक है, ये मैं वैसे एक छोटा सा बात आपको क्लियर कर दूं, ये पेपर में 19% क्वेश्चन आता है इस तरह का ना, लेकिन वो मैं छोटा सा कॉर्पस करके एक पैराग्राफ लिख देता हूं और फिर मैं कहता हूं इसे सॉल्व कर लो, फिल करो। तो ये आप अपने तौर पे ना इसको एक दफा चेक कर लीजिएगा, क्रॉस चेक। ठीक हो गया, अच्छा जी आगे फिर आसान है लाइफ। अगर आपके पास प्रोबेबिलिटीज आ गई हैं फिर लाइफ खत्म होगी, फिर आपसे कहा जाए आई वांट टू ईट चाइनीज फूड, आई वांट टू ईट फला फूड, सबके आपके पास बातें आ जाएंगी। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे है प्रोबेबिलिटी ऑफ आई वांट इंग्लिश फूड, अभी आपने निकालनी है। तो अब आपके पास ये है कि आई जो है स्टार्ट में आया, पहली चीज आई के बाद वांट आया, वांट के बाद इंग्लिश आया, इंग्लिश के बाद फूड आया, ये है, जरब दोगे बारी है, ये आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ठीक हो गया। इसी तरह ये खत्म ही है, वो एग्जांपल दिए हैं, इसी तरह इंग्लिश फूड का आ गया और चाइनीज का आ गया। ठीक है जी, और ये एक आखिरी चीज बस ये एक हम सिंपल ये करते हैं, और ये पहले ही आप पढ़ चुके होंगे कि बजाय इसके कि सिंपल मल्टीप्लीकेशन करते रहे, जो आपके पास वैल्यूज आती हैं आप उन्हें लॉग में कन्वर्ट कर देते हो, और मल्टीप्लीकेशन लॉग में जब जाती है तो प्लस हो जाती है। उसकी रीजन क्या होती है कि अगर आप छोटी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते रहोगे तो वो वैनिश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, बिल्कुल जीरो पे आ जाएगी, उसको काबू करने के लिए आप ये करते हैं। ठीक है, चलें एक ये हो गया, और ये दो स्लाइड्स मैं बता देता हूँ आखिरी ना। अगर आपने आप में से कोई काम कर रहा है, चाहे वो टेक्स्ट के ऊपर काम कर रहा है चाहे वो ऑडियो पे कर रहा है, दोनों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी, ये दोनों काफ़ी मशहूर जो है ना लैंग्वेज मॉडलिंग के टूल किट्स हैं, SIRLM की भी और ये कैंप वालों की भी, ये दोनों जो है ना काफ़ी मशहूर टूल किट्स हैं, जो ना आपको ये चीज़ें करके भी दे देते हैं ऑटोमेटिकली, जो हम अभी बोल रहे हैं बातें
कि मेरे पास मैं कॉर्पस अपलोड कर दूं, कुछ वर्ड दूं, वो उनके सेंटेंस जनरेट कर दे, या इसी तरह वर्ड दूं उनके आगे गेस करके दे दे, तो ये देख लीजिएगा आपने। अच्छा, इसी तरह आखिरी चीज जो थी, हाँ जी मैं इधर, ये खत्म है, यहाँ पे खत्म है, अगला लेक्चर नहीं है, वो टेक्स्ट क्लासिफिकेशन है। आखिरी चीज ये, मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपसे बताया था कि जो भी हम काम करेंगे वो किसी कॉर्पस डिपेंडेंट होगा, ऐसे है ना, और इस टेक्स्ट प्रोसेसिंग में सबसे बड़ा खिलाड़ी जो है वो गेम प्लेयर जो है वो गूगल ही है, और गूगल अपने डिफरेंट कॉर्पस जो है ना वो रिलीज करता रहता है, ठीक है। इससे मुराद ये कि अगर आपने कोई अपना बनाना है इंजन बनाना है जो लैंग्वेज मॉडलिंग कर सके, आप कहते हैं जी कि नहीं हम पाकिस्तान के लिहाज से बनाते हैं कोड जो ना लेट से ऑटो फिलिंग कर दे, ऑटो फिलिंग का मतलब ये जो मोबाइल पे होती है कि आपने लिखा कि जी आई वांट आई एम कमिंग, और वो आगे दे देता है इन 15 मिनट्स लिख दो या जो भी लिख दो, होता है ना ये, देखा होगा। तो अगर आपने कोई बनाना है तो वो उसका आंसर ये है कि आपको गूगल के एनग्राम के कॉर्पसेस समझने पड़ेंगे, ठीक है, जो अगेन अवेलेबल हैं 2006 से ही अवेलेबल हैं ये, और लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था कि 2012 में इसमें 1 ट्रिलियन सेंटेंसेस थे या वर्ड्स थे, तो अब वो बहुत ज़्यादा हो गए, ठीक है जी। ये था बस लैंग्वेज मॉडल का। नेक्स्ट जो है फिर हम इधर से ना टेक्स्ट क्लासिफिकेशन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम देखेंगे वो।